जो अंधेरे में प्रकाश करे सो के गुरु, जो अंधेरे में प्रकाश करे सो के गुरु, और प्रेखा गुरु पहले अंधेरे प्रकाश करने का बड़े सागर ने साढ़े देखिया लोग लालता नहीं जानते सब छोटा जा दीवा बनाने सर तो कमरे में रोशनी कर दिया सी लालता ने तो बेड़े में रोशनी कर दी सी आज बिजली के साथ ने बेड़े में रोशनी हुई चंद्रमा रोशनी कर रहा है तारे रोशनी कर दे सूर्य रोशनी कर रहा है असी सारे सोचा के भाई साहब ने सिद्धेश के आरती ताजी जो रोशनी करे अंधेरे में जिसको कही गुरु किन गुरु आदि और गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं संसार के लोगों के रोशनी का रूप सी वेद है पर जे सौ चंदा उगो है सौ चंद्रमा कर जाए सूर्य चढ़े ये बहुत सही सूर्य चढ़े हजार चेहरे शायद रोशनी करे और कहते सौ चंद्रमा चढ़ गया हजार सूर्य चढ़ गया ता भी रोशनी नहीं हो सकती हां सब सहेगी एक दीवा एक लालटेन एक बल्ब एक कण रोशनी कर सकता है बिजली की लाइट दूर तक रोशनी कर सकती है लेकिन सूर्य सारे विश्व रोशनी देता है ये सारी रोशनी बाहर है सारे संसार में रोशनी देने वाला सूर्य भी अज्ञानता का अंधेरा नहीं कर सकता अब बता नाम श्री वर अज्ञानता सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सानू शब्द स्वरूप गुरु दिता है गुरु ग्रंथ साहब जिसके दर लगना तीन चार मिनटा का शब्द पढ़ के समाप्ति करते हैं अगले का विषय भी अभी गुरु ग्रंथ साहब गुरु मन के उत्ते लग लगती है पर हो ही रहा संसार के अंदर जे मैं निया भावना ते सतगुरु मैं सतगुरु का जो शब्द देना वो अंदर ज्ञान दे देता है भाई बाकी होवे नाह तो तार नानक दुखिया सब संसार ते दुखा विच किया आ मनु कोई पता डोलदा रहंदा होवे दरिया विच ते तिरका भी मिल जाए कहां दा कि मैं शायद पार निकल जा अज असीं कहीं किसे दे पैर जा सकदे आ कहीं किसे दे पैर जा सकदे कि ते मेरा दुख कटिया ओ साध सिंह जी ओ गुरु के प्यारे हो भगत कबीर साहब कहते हैं सुनो संसार के लोगो समुद्र के डर लगो समुद्र के छपरिया के डर मल जाए आप श्री जे रतन के जवाब लेने ने ते ओ छपरिया को नहीं देते कबीर साहब कहते हैं कबीर समुद्र ना तो है सरकारी बैंक संतोष सिंह की सभा जा बैठे ने अब निर्वाण ने मैं कहा कि कच्चे का कहना पड़ने वाला कि गुरु जी सहित को ज्ञान जो मिले मैं आपकी जी भेंट कर लगा भाई कबीर साहब कहते ने कबीर समझना छोड़ी है
ਜੋ ਆਤ ਖਾਰੋ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਪਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਉਂ
ਕਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰ ਗੰਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਸ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਖੋਲ